सारिआं नूं सति श्री अकाल। मेरा नाम नवजोत कौर है। मैं छेवीं जमात विच सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल उमेदपुर टिब्बा विखे पढ़ती हाँ। मैं तुहाडे नाल अज आजादी बारे कुछ विचार सांझे करना चाहांगी। सौखी मिली नहीं आजादी देश अंदर, इत्थे बेड़ियां पैंदियां जो गड़कानियां ने। सौखी मिली नहीं आजादी देश अंदर, इत्थे बेड़ियां पैंदियां जो गड़कानियां ने। आओ एक पल उन्हां नूं याद करिए जिन्हां देश लई कीतियां कुर्बानियां ने। आओ एक पल उन्हां नूं याद करिए जिन्हां देश लई कीतियां कुर्बानियां ने। आजाद हर कोई रहना चाहुंदा है, मनुख भी आजाद रहना पसंद करता है। इत्थों तक के पंछी अते जानवर भी आजाद रहना चाहुंदे हन। आजादी की है इसनूं परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, परंतु हर शख्सियत दे निर्माण लई इसकी बहुत लोड़ है। साडा देश 200 साल तक विदेशी हाकमां दा गुलाम रहा, इस करके साडे देश दे लोक आजादी दे महत्व तों बाखूबी जाणू हन। साडे देश दे लोकां भोले भाले लोकां ते विदेशी हाकमां ने अनेक जुलम किते अते उन्हां नाल गैर मनुखी वर्ताव किया, जिस आजाद की हवा विच अज असी साह लै रहे हाँ, उस समय उन्हां दा सपना होया करदा सी। इस सपने नूं सच करन लई अनेक मावां दे शेर पुत्रां ने फांसी दे रस्सियां नूं चुम्या। देश विच गदर भी चले, चरखे भी चले, बागां विच भी साके होए अते गुरु घर अंदर भी। साडे देश दे जो अणखी योधिया ने हस हस के अपनियां जानां वारियां। जद साडे देश दे लोकां दी बगावत ने उबाला मारिया तां फिरंगी अपना बोरिया विस्तरा चुक के इंग्लैंड चले गए। साडे देश ने 15 अगस्त 1947 आजादी पाई। लाल किले साडे देश के दे पहले प्रधानमंत्री श्री राजेंद्र जी ने झंडा लहराया। भावें हुण साडा देश दुनिया संसार दीआं अखां विच चमक रहा है, परंतु हुण भी साडे देश नूं कई समस्यावां ने जकड़िया होया है। सानूं सारिआं नूं अपने करतवां प्रीति सुचेत होना चाहीदा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।